ये हम कोई 2 mm तक रिड्यूस करेंगे कस्ट को, ठीक है। अच्छा इस साइड पे भी मैं यही करूँगा, ठीक है। वही तीन जी, एक यहाँ पे, एक बिल्कुल कस्ब के टिप पे आपने देना है, ठीक है। एक यहाँ पे देना है सेंटर में, ये रेफरेंस ग्रूव है आपके, ठीक है। और एक इस कस्ब के टिप पे, ठीक है। उसके बाद आपने सिर्फ स्मूथ करना है इनको, ठीक है। सर फिर आप एक ग्रुप से स्टार्ट करके राउंड करके दूसरे तक ला रहे हैं और दरमियान वाले पे ले जा रहे हैं, दोनों को दरमियान के साथ कम। हाँ आपको समझ आ रहे डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं सर? जी सर, बनाएं कोई ओवरले आपके दांत के लिए? हाँ आपके दांत के लिए बनाएंगे सर, इसका भी बनाएंगे ना, मेरा भी बनाएंगे सर, तो और समझ आएगा सर, है ना। वो कहते हैं वो जो कहते हैं कि सर तभी वही है जिसके आया हो, तो मुझ पर जब आएगा तो फिर और रुकेगा। ठीक है, कस्ट को हमने रिड्यूस किया, अब इसको सेंटर को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जी जी, असल में सारी फिलिंग है, वैसे सेंटर के लिए जो कस्ब सेंट फिशर्स होते हैं ना उनको फॉलो करने में खुद खुद रेडियस हो जाती है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फिलिंग है सारी। मतलब उसके पार्ट होते हैं जो वो होते हैं तो किस तरह का? नहीं नहीं अभी आपको मैं सारा बताऊँगा सर। सर हमने किस वजह से सर क्राउन से लेते हैं सर, मतलब कंजर्वेटिव है नॉर्मल टूथ का शेप है ना। कोई अजीब सी चीज़ तो नहीं लग रही आप लोगों को? ठीक है, इसको ज़रा वॉश कर लें, पेशेंट का ऑपरेशन चेक करते हैं, फिर दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है। मुझे राउंड भर भी लगा के दे, दांत मिलाएं, बंद करें दांतों को, मिला लें, ठीक है। पैलेटल साइड पे हमें और रेड्यूस करने, ठीक है। फिर सर सर जिस तरह खराब में हमारे पास होता है कि इसको इतना रिड्यूस करना है, इसमें आपने जो मैंने किया ना एक्सियल रिडक्शन, जो एक्सियल रिडक्शन मैंने किया बकल पैरेटल सरफेस पे, वो कोई 1.5 mm करना है, ऑक्लूजर 2 mm करना है। अच्छा मैं मार्जिन को भी रिफाइन कर रहा हूँ, ऑक्लूजर थोड़ी सी और रिडक्शन कर रहा हूँ।
ठीक है, थोड़ा सा और रेड्यूस कर रहे, ठीक है। टेक्निक फिशर दोबारा से लगा ली, नंबर चेंज कर। दांत ही लग रहा है ना? यस सर। डब्बा तो नहीं लग रहा? डब्बा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। यस सर, वो जो है वो जो इमली आती है ना, इमली में पीछे फजूर कौन जो है जेली, जेली उसकी तरह लग रही है। जेली सब वो दांत वाली जेली मिलती है जो कभी होती है, उसको निकाल के क्या पीछे। अच्छा, जेली रोए मम्मी तो मेरा खाली नहीं, ये उस जेली का नहीं है, वो जो डिश में हम लोग जा के उसको वो जो है ना, उसको तो दांतों की तरह दिखे ना, सर इसमें तो हमारे साथ सर अगर दूसरा टच हो सकता है सर। यार बहुत ख्याल कर रहे हैं, बोलो थोड़ा सा और बोलो। उसको किसने कहा था दो उसको दे दिए, पेशेंट गया पैसे भी गए।